दोस्तों नमस्कार, हम हैं इस समय महेश जी के साथ और यहाँ से जो प्रधान पद के लिए नियुक्त की गई है वो है इनकी श्रीमती जी ब्रजेश जी। हम इस समय ग्राम मेवला भट्टी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। चलिए हम उनसे बात करेंगे विकास के मुद्दों पर और जनता ने उन्हें चुना है उसके पीछे के प्यार पर। सर नमस्कार, पहले तो आर्थिक न्यूज की तरफ से आपको बधाई हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद और सर स्वागत है आपका आर्थिक न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या ये आपका पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ चुके हैं? इससे पूर्व में 3 बार ग्राम प्रधान हम बन चुके हैं लगातार सर। एक बार गैप था बीच में, इस बार इससे पहली वाली में। इससे पहले भी हम ही थे और अब। अच्छा, इससे पहली योजना में आप ही थे, इस बार भी आप ही चुने गए, तो निश्चित सी बात है काम तो किए होंगे फिर। जी, काम नहीं किए होते तो फिर आप नहीं होते। जी सर, ऐसे कौन से विकास के कार्य है जो पिछली बार रह गए थे इस बार पूरे किए जाएंगे? सर इस बार तालाबों का सौंदर्यकरण जी, ग्राम सचिवालय जी, आधुनिक लाइब्रेरी, ओके ओके, ये सब कार्य हम करने जा रहे हैं पहले चरण में। पहले चरण में। और इससे पहले हमने जनपद में सबसे पहले आदर्श विद्यालय बनाया था जो सुर्खियों में रहा काफी टाइम। जी जी। और लगातार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार हमें मिल रहा। क्या ये आदर्श गांव में आता है? आदर्श ग्राम पंचायत है ये। तो देखिए राजभूषण में आता होगा। और अभी योगी सरकार का हम धन्यवाद करेंगे जी, उन्होंने एक पंचायतों को सशक्तिकरण करने के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार की योजना चला रखी है जिसको हम लगातार बार बार जीत रहे हैं। और इस बार योगी सरकार ने हमें 1,12,00,000 रुपए दिए हैं विकास कार्यों के लिए जी, जिसका हम पहले चरण में ही क्रियान्वित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी। GPDP हमने तैयार कर ली है, ग्राम सभा की बैठक बुला करके और उसको असली जामा पहनाया जाएगा जी। सर वैसे तो मुझे सही लग रही है सड़कों की पोजीशन बिल्कुल दोस्त सर गांव में, या कुछ नीड लग रही है? सड़कों की पोजीशन बहुत अच्छी है, कोई रास्ता कच्चा गांव में नहीं। नालियां सर? नालियां अच्छी है, नालियां तालाब से जुड़ी हुई है सर। निकासी पानी? निकासी है, तो तालाब का सौंदर्यीकरण बाकी रह रहा है। जी 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 सर। जल संचय की दिशा में भी हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं, सोखता वगैरह जो पटान लगवा रहे हैं वो भी लगवाना है सर। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि सोखता होने से सर हमारा जो बारिश का पानी वो हमारा बचा रहेगा और प्लस जो है वो स्तर जो है पानी का वो भी मेंटेन हो जाएगा। और ग्राम पंचायत को मैंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने के लिए गाड़ी उपलब्ध करा रखी है जी, उससे हम ग्रामीणों से 50 रुपये प्रति घर टैक्स वसूल करते हैं जिससे ग्राम पंचायत की आय बढ़ती रही जी। सर क्या आपने भी सूखा कूड़ा और गीला कूड़े का स्थान अलग अलग कर रहे हैं? बिल्कुल, अलग अलग स्वस्थ संसाधन केंद्र उपलब्ध है हम। जी जी अच्छा। तो सर शमशान घाट की क्या पोजीशन है? शमशान घाट अच्छा है लेकिन उसका भी अभी सौंदर्यीकरण होगा, होना है जी। वहाँ पर पानी वानी की सुविधा है? अब बाउंड्री वगैरह जी है, इंटरलॉकिंग है लेकिन वहाँ थोड़ा नहर के साथ है तो वहाँ बैठ गया तो उसको हटा करके दोबारा उसको सीसी कराया जाएगा। अच्छे सीसी कराया जाएगा, टीन शेड वगैरह जी वो है, तो गांव से वहां तक जाने का रास्ता पक्का सीसी पक्का है, दुरुस्त है जी। सर शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा स्कूल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इंग्लिश मीडियम कर दिया प्राइमरी को। अच्छा अच्छा। और अच्छे टीचर हैं और आप स्कूल में चल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे स्कूल आपको जल्द से मिलेगा नहीं जी। सर कौन सी क्लास तक स्कूल है? 5वीं तक के हैं जी। 5वीं तक जी। सर आपकी कोशिश हो सकती है इस बार से 8वीं 10वीं तक करवा? बिल्कुल है क्योंकि मैंने अपने परिवार से स्कूल के साथ में लगी हुई जमीन को ले लिया, उनको जमीन खरीद के अलग दे दी गई और वो स्कूल में ही सम्मिलित कर ली जाए। तो इस बार आपके गांव में जो स्कूल है प्राइमरी तक था उसे 8वीं या 10वीं तक कराने की हमारे प्रधान जी पूरी पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश क्या इनकी बातों से मुझे लगता है कि हो ही जाएगा इस बार जी, जी। ताकि हमारी बहन बेटियों को स्कूल के लिए बाहर न जाना पड़े जी। तो सर पेंशन वगैरह सबकी है? सब सब बाकी पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और राशन कार्ड सब बदस्तूर बहुत अच्छे से सरकार की जो योजना उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बढ़िया। देखिए मैं 200-300 प्रधान कवर कर चुका हूँ और मुझे पहली बार या तो अटोर के प्रधान जी से मैं सवाल नहीं पूछ पाया था क्योंकि उसके पीछे कारण था कि उन्होंने सभी काम करवा चुके थे या उन सब प्रधानों में एक प्रधान और आए थे ग्राम मीतली के, वो बहुत ज्यादा काम करवाने के मूड में है। लेकिन यहाँ की क्वेश्चन क्या है कि अक्सर सारे काम जो पूछे जा रहे हो पहली योजना में ही हो चुके हैं, पूरे कुछ ही काम बाकी होंगे जो इस बार ये करवाने जा रहे हैं जी। सर मेडिकल को लेकर, डिस्पेंसरी को लेकर, हॉस्पिटल वगैरह को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे आयुष्मान भारत का लगातार डॉक्टर बैठता लगातार डॉक्टर बैठता जी जी जी।
तो सर गांव में मुझे तो अभी तो फिलहाल कोई कमी दिख नहीं आ रही। अपने पिछले 5 साल में टीकाकरण लगभग फाइनल स्टेज में चल रहा हमारा। जी जी जी, टीकाकरण भी गांव में हेल्थ कैंप हम लगवाते हैं बार बार, किसान गोष्ठी हम करते हैं जी। यानी कि सरकार की जितनी योजना है सब लागू बहुत अच्छे ढंग से। देखिए पिछली योजना में चूंकि प्रधान जी रह चुके हैं तो हमारे जितने सवाल हैं अब तक हमें सभी सवालों के सटीक जवाब मिल रहे हैं। एक्चुअली वो काम पहले से सारे के सारे कर, जिसमें विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, शमशान घाट की पोषण में थोड़ी सी कमी है वो पूरी हो जाएगी, शिक्षक स्तर है 5वीं तक बड़ा बेहतर है उसे 8वीं 10वीं तक करवा दिया गया, यहाँ पर खड़ंजे नाले बिल्कुल दुरुस्त है और तालाब का सौंदर्यकरण के लिए प्रधान जी प्रतिबद्ध है उसे करवा दिया जाएगा। सर गांव में दो चीजों की डिमांड ज्यादा हो रही है, लाइब्रेरी और खेल का मैदान। क्या ये पहले से है गांव में आपके? ऐसा है, अस्थाई थी पहले। अच्छा, लेकिन अब हम स्थाई आधुनिक लाइब्रेरी में बनाने जा रहा हूँ। आधुनिक लाइब्रेरी बहुत जल्दी जी, पहले चरण में। सर खेल का मैदान? खेल का मैदान है, खेल का मैदान पहले से है जी जी। पिछली योजना में बना था या उससे पहले? पिछली योजना में बना था। पिछली योजना बन चुका है, पिछली योजना में खेल का मैदान भी बन चुका है और लाइब्रेरी का आधुनिकरण किया जाएगा ऐसे हमारे प्रधान जी का कहना है। तो कहने का मीन्स है कि हमारे पास कोई सवाल नहीं है इनसे पूछने के लिए। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अटोर के बाद हमें दूसरे प्रधान ऐसे मिले कि जिनसे सवाल पूछने का कोई बनता ही नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से ही बाकी सब कुछ बता दिया है। और क्या आप ऐसा काम है जो गाँव के लिए करना चाहेंगे? तो आप सभी काम सर करवा चुके पहले ही गांव के लिए, इस बार क्या कुछ नई चीज गांव के लिए लाएंगे? अभी ये जो आधुनिक हम लाइब्रेरी बनाने की बात कर रहे हैं जी, इससे बच्चों में प्रोत्साहन आएगा पढ़ने का जी जी, और बच्चे हमारे यहाँ से IAS PCS निकलेंगे तो हमें भी खुशी होगी जी। तो सर इससे अगले एडवांस स्टाइल की बात कर लेते हैं, ये तो मैं सबसे पूछता हूँ, ये तो आपने पूरे कर दिए, क्या गाँव में वाईफाई और CCTV भी होगा इस बार? जी हाँ जी, लगे हुए हैं जी। अच्छा, CCTV लगा हुआ है आप देखिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम सब चीज है। अच्छा, सब कुछ है, वाईफाई वगैरह सब जी, कुछ जी, है जी, सब चीज है। देखिए गांव पूरा आधुनिक हो चुका है, तो कहने की नीड ही नहीं है, बस अब प्रधान जी अपनी तरफ से ही कुछ बता दे, हमारे सवाल तो पूरे हो चुके। सर और क्या कहना चाहते हैं आप गांव वालों? पहली बात तो आपका स्वागत, धन्यवाद आपका जी, आप आए और कम से कम अच्छी चीज को भी आप दिखा सके जी, बिल्कुल उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं गांव को बिल्कुल इस तरीके से आधुनिक बनाना चाहता हूं, एक मिसाल कायम हो जाए कि मेवला भट्टी, हालांकि मेवला भट्टी को लखनऊ तक लोग जानते हैं जी जी। क्योंकि हमारे स्कूल के जो फोटो थे वो हमारे जो यहां पे अधिकारी हैं वो सुरेश खन्ना जी जी जी, कार्य मंत्री हैं, अधिकारी हैं गाजियाबाद के जी जी। तो मेरा फोटो भी लेके गए थे स्कूल का। अच्छा अच्छा, और स्कूल हमारा सुर्खियों में रहा था काफी लंबे टाइम, और गूगल पे सर्च करोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा मेवला भट्टी का। मेवला भट्टी इसलिए भी जाना जाता है कि मेरे भाई रेसलर हैं बहुत बड़े। अच्छा अच्छा, उनको उनका नाम क्या सर? राजकुमार पहलवान। राजकुमार, उनको ध्यानचंद अवार्ड, यश भारती अवार्ड, लक्ष्मण अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड है उनके पास, तो उनसे भी जाना जाता है। और वो बहुत अच्छी व्यायामशाला भी बनाने जा रहे हैं, तो उससे बच्चों को खेलने के लिए भी अवसर मिलेगा जी। सर मैं इसमें हाँ एक सवाल, जब आप इतने आधुनिकरण का चल ही रहे हैं सर, एक तो अटोर में स्टेडियम बना है प्रधान जी ने, मीतली में प्रधान जी बनवाने जा रहे हैं खेल के मैदान को, स्टेडियम बनवाने जा रहे हैं, क्या ऐसी उम्मीद यहाँ भी की जा सकती है कि इसे खेल के मैदान को स्टेडियम में परिवर्तित कर लिया जाए? सर इसमें ऐसा है कि हमारे पास जो सरकारी जमीन है वो तो है नहीं, LMC नहीं है, बाकी हमारे भाई हैं उन्होंने अभी संस्था बनाई है, उसको हम स्टेडियम का भी रूप देंगे जी, और वहाँ सारे खेल प्रतिस्पर्धा हुआ करेंगे। सर बढ़िया अच्छी बात है। तो सर ये ऐसा तीसरा गांव होगा जी, अब तक मैं यहाँ से बागपत, इधर अमरोहा वगैरह, मेरठ, मुवादा सब कुछ कर चुका हूँ जी जी। तो स्टेडियम किसी गांव में नहीं है जी, अटोर में बनवा चुके हैं वो, मीतली में बनने जा रहा है, वहां पर तो खैर एक MBBS कॉलेज भी बनने जा रहा है जी जी जी, या फिर आपने मुझे बता कि यहाँ पे स्टेडियम बन जाएगा। देखिए आपने सुना है, ग्रामवासी हो आप सभी जानते होंगे, आपके प्रधान जी का इंटरव्यू से मैं ले रहा हूं, तो यहां पर सभी चीजों की सुख सुविधा है, बाकी ये इन्हें एक स्टैंडर्ड पर लेकर जाएंगे, एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, आपके गांव को जो भी कमी है वो पूरी कर दी जाएगी। हम 6 महीने या साल भर बाद एक बार फिर प्रधान जी से आकर मिलेंगे कि एडवांस लेवल पर जो मेन काम है वो तो पिछली बार योजना में पूरे किए जा चुके हैं, अब एडवांस लेवल पर क्या क्या काम होंगे गांव में वो हमें देखना होगा 6 महीने या साल भर बाद।
प्रधान जी कोई सपना गांव वालों के लिए कुछ कहना चाहते हो या और प्रधानों के लिए? गांव वालों के लिए मेरा तो यही है भैया, उन्होंने बार बार हमें समर्थन दिया और 3 बार हमको प्रधान बनाया, ऐसे टाइम में रिपीट होना इतना आसान नहीं है। रात को 1 बजे भी लोग आवाज मारते हैं, हम खड़े मिलते हैं, सबके काम करते हैं और सभी की खुशहाली के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गांव में खुशहाली रहे हमारे में, बच्चे आगे बढ़े। मेरा खुद बेटा MBBS कर रहा है, मेरी बेटी PCSJ की तैयारी कर रही है, तो बच्चे यहां से शिक्षा में बहुत अच्छे से आगे। सर एक अपील मैं प्रधानों के लिए करना चाहता हूं, उन प्रधानों के लिए जो गाँव में काम नहीं करते, ये दुनिया जानती है। उन सभी प्रधानों से भी मेरा निवेदन है कि वो दूसरी ग्राम पंचायतों को देखकर सीख लें। मैं यहाँ प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी हूँ जी जी वर्तमान में। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात। और मैं सभी प्रधानों को कहता भी हूँ भैया आप भी अच्छे से काम करिए जिससे कि आपका भी नाम होगा। लेकिन अब हम 32 प्रधानों में से मात्र 3 प्रधान रिपीट होकर के आए। जी सर देखो रिपीट वो होते हैं जो काम करवा चुका हो, तो मैं उन प्रधानों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भैया अच्छे से काम करो, कमीशनबाजी करोगे तो काम नहीं हो पाएगा, या तो जेब देख लो या लोगों की जो है भावना देख लो। सही बात है सर, बिल्कुल। देखिए हमारी प्रधान जी महेश जी से बात हुई है, मैं इंप्रेस हुआ हूँ बहुत ज्यादा। देखिए सभी प्रधान अच्छे हैं, जो पहली बार आए वो कह रहे हैं कि हम इस बार बहुत बड़े काम करेंगे, चलिए उनके तो काम साल 2 साल बाद देखे जाएंगे। लेकिन जो रिपीट हुए है प्रधान उनमें मैं अब तक 2 से इंप्रेस हुआ हूँ। एक आपके ये चिरोड़ी गांव के हैं, वो 6ठी बार आए हैं, और एक आपके अटोर गांव के, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। मैं चाहता हूं कि इसी तरह के गांव बाकी गांव में भी यही काम हो ताकि हमारा देश विकास की तरफ चले, उन्नति ज्यादा हो। चलिए 6 महीने साल भर बाद फिर स्थिति देखेंगे, फिर हम मिलेंगे एक बार, गांव कितनी तरक्की करते हैं ये देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लूंगा इजाजत। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो फिर से, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ 6 महीने नहीं, आप 3 महीने में आइए जी सर, आपको अलग देखने का नजारा मिले। सर बिल्कुल धन्यवाद। मैं आज के न्यूज से राज और कैमरे पर है हमारे साथ इस समय गौरव कुमार। तो मैं हूँ इस समय प्राइमरी स्कूल में और यहाँ की कंडीशन हम दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया लेवल का स्कूल है यहाँ पर, मैंने अब तक ऐसा स्कूल नहीं देखा है, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। हमारे कैमरामैन आपको पूरा स्कूल दिखाएंगे, एक बार जरा पूरा स्कूल दिखा दीजिए। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसी व्यवस्था है, अभी चारों तरफ से स्कूल दिखाएंगे, स्कूल में सफाई भी देख सकते हैं, ग्रीनरी देख सकते हैं आप जैसा प्राइवेट स्कूलों में होती है, यहाँ के शौचालय देख सकते हैं कितने साफ सुथरे हैं। अक्सर ऐसा गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल होते हैं उसमें नहीं होता है। चलिए आगे थोड़ा सा ग्रीनरी है वो भी दिखाते हैं। ये बच्चों के लिए घूमने के लिए जी सारी चार प्रधान जी आप बताइए आप एक बार, ये बच्चों के लिए खेल कूद के लिए है जब एक्स्ट्रा टाइम होता है क्लास से। जी सर बहुत अच्छी है। ये पार्क है, सफाई चल पार्क है यहाँ पर, इसमें एक माली लगा रखा है मैंने जी। सर अच्छा बिल्कुल, आपने तो प्राइवेट जैसा बना रखा है बिल्कुल। यहाँ पर केंद्र है, ये आयुष्मान भारत का जहाँ डॉक्टर बैठता जी जी। अच्छा अच्छा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अभी देख रहे हैं आपकी कि गवर्नमेंट का जो स्कूल है सरकारी स्कूल उसकी कंडीशन बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसी बनाई है यहाँ के प्रधान जी ने, आपको हमारे कैमरामैन पूरी तरह से दिखा रहे हैं। ये लाइट है, रात को यहाँ दूधिया रोशनी में ना जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये जो मैं अभी आपको जमीन बता रहा था, ये जमीन मैंने खरीद ली है। अच्छा, और स्कूल में दान कर रहा हूँ। ओके ओके बराबर। एक बार मैं बोल देता हूँ, देखिए अभी हमारे कैमरामैन आपको स्कूल दिखा रहे थे, स्कूल की कंडीशन आप देखकर समझ जाएंगे कि स्कूल की कंडीशन कितनी अच्छी, सरकारी स्कूलों की अक्सर ऐसे नहीं होती है। तो मेरा सभी प्रधानों से अपील करता हूं मैं कि वो भी अपने गांव में सरकारी स्कूलों की कंडीशन थोड़ा बेहतर कराए, थोड़ा ध्यान दीजिए काम पर ताकि हमारे गाँव के विकास हो, गाँव के विकास होंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। अब मैं लूँगा आपसे इजाज़त। जी ये मशीन भी लगी है।
देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं प्रधान जी अपने हाथों से पौधारोपण कर रहे हैं और आज भी बहुत सारे पौधे मंगवाए हैं जो स्कूल में लगाए जाएंगे और गांव में भी लगाए जाएंगे। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। सारे गांव में वृद्ध वृक्षारोपण किया जा रहा है। बहुत बढ़िया।